तो फिर से बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है इसकी, नहीं होगी ऐसे। और सो अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसको, हाँ वो मैं ले आऊँगा, मेरा फ्रेंड है जो इस बाइक को अभी धक्का लगा के स्टार्ट कर रहा है, और मे भी ये स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी और नहीं हुई। हाय गाइस वेलकम टू 14। तो अभी ये जो मेरी बाइक है स्टार्ट नहीं हो रही है, और मेरा फ्रेंड है वो उसे लेके गया हुआ है स्टार्ट करने के लिए धक्का लगा के, और मैं भी उसे स्टार्ट करके लेके आ गया है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये आ गई मेरी बाइक। हम लोग जाके एक इसमें बैटरी लगाएंगे। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सी बैटरी लगानी है, एमरॉन या फिर एक्साइड की। ये दोनों कंपनियाँ मुझे सही लगती है क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी आई वो एक्साइड की बैटरी है, तो काफ़ी अच्छी चल रही है वो बैटरी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्साइड ही लगा लूँ या फिर एमरॉन की लगाऊँ इस बार। तो चलते हैं और जाके देखते हैं प्राइस क्या है उन दोनों का। और ये है एमरॉन और एक्साइड, दोनों के बारे में दोनों की रेट पता करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि अपन कौन सी वाली बैटरी ज़्यादा बेटर रहेगी, एक्साइड और एमरॉन, दोनों में से एक बैटरी में लगाऊंगा। एमरॉन की जो इसकी प्राइस है 1800 रुपये, पुरानी बैटरी देने के बाद में, तो मेरी अपनी पुरानी बैटरी है उसको मैं दे दूंगा, तो ये मुझे 2000 की बैटरी है वैसे, लेकिन मुझे 200 रुपये कम हो जाएंगे पुरानी बैटरी दूंगा तो इसलिए ये वाली बैटरी काफ़ी सही है, मुझे ये वाली लगाने का सही लग रहा है। और 2100 रुपये की आ रही है एक्साइड वाली, जो एक्साइड की जो बैटरी आती है इसी साइज़ की पुरानी देने के बाद में, ये पुरानी देने के बाद 1800 की आ रही है एमरॉन 300+, और वो 300 रुपये ज़्यादा महंगी पड़ रही है पुरानी देने के बाद में, मुझे 2100 की पड़ रही है। तो अभी मैं जो है ये वाली बैटरी लगवा रहा हूँ एमरॉन की, और एमरॉन की बैटरी 1800 रुपये की है, काफ़ी अच्छी बैटरी है। और उसको देने के बाद में, पुरानी बैटरी जो है मेरी एक्साइड की, उसको देने के बाद में ये मुझे 1800 रुपये की पड़ रही है, तो इसको लगवा लेते हैं। और पहली वाली जो मेरी बैटरी थी उसे 4 साल से ऊपर हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छी मेरी बैटरी हो चली है एक्साइड की, तो इस बार एमरॉन की लगा के देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे भी इनकी वारंटी गारंटी तो होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज होने में, रिप्लेस होने में, बिल आपको साथ में रखना होता है। और बिल से मुझे एक चीज़ और याद आई है कि मेरी जो बाइक है, मेरी बाइक के अंदर जो ये टायर लगा हुआ है, ये जो टायर है इसमें क्या हुआ है ना कि इस टायर के अंदर कट आ गए हैं साइडों में, पूरा कट गया है वो। और अगर मेरे पास का बिल होता तो शायद से मैं चेंज करा सकता था, लेकिन मेरे पास का बिल नहीं है इसलिए मेरे को चेंज नहीं करा पा रहा। मुझे लगा टायर का बिल रख के क्या करना है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन टायर का बिल ज़रूरी होता है रखना भी, लेकिन मैंने नहीं रखा और मुझे रखना चाहिए था। अब वो खो गया है, मैंने फाड़ दिया, मुझे याद नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वाली बैटरी को चेंज करा लेते हैं। और ये जो पुरानी बैटरी है आपको पता होगा, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, उसको जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाइक को। और उसके अलावा मैं कह रहा था, मैंने पार्किंग में जब बाइक खड़ी की थी तो फिर से किसी ने इसको तोड़ दिया है, तो ये जो है किसी ने तोड़ दिया है। अब यही होता है जब आप पार्किंग के अंदर बाइक डेली खड़ी करते हो। तो गाइस ये 9H की बैटरी है जो मैंने लगवा ली है इसके अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्टार्ट करते हैं एक बार, और स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे मतलब सेल्फ ले रही है गाड़ी, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही थी। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं, और मेरा फ्रेंड इसको स्टार्ट करेगा। कर दिया इसने स्टार्ट, हेलमेट ना गिरा देना भाई। तो बिल्कुल नई जैसे थी वैसे कि मैंने स्टार्ट करने लग गई गाड़ी, और स्टार्ट हो गई है एक ही सेल्फ में। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ वापस, और मैंने जो है बैटरी परचेस करके इंस्टॉल भी कर ली है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इसका बिल जो है ये है 1800 रुपये का। मैंने एक शॉप पर पूछा था, वहाँ मुझे ये पड़ रही थी कुछ 2200 रुपये की, और यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस कराने के बाद में, पुरानी बैटरी देने के बाद में 1800 रुपये की मुझे ये बैटरी पड़ी है। और उसके अलावा इन्होंने मुझे एक वारंटी कार्ड दिया है इसका। वारंटी कार्ड के अंदर क्या है कि 2 साल की गारंटी है, 2 साल की वारंटी इसमें मुझे मिली, रिप्लेसमेंट वारंटी जो भी होती है वो उन्होंने मुझे दी है, तो काफ़ी सही है मतलब। और पहले एक्साइड की बैटरी काफ़ी अच्छी चली है, 4 साल से ज़्यादा चली है अच्छे से। तो जो बाइक के अंदर एक थी वो बैटरी थी, वो मेरा मॉडल 2013 है। और अब जो है क्या बोलते हैं, वापस से इस वाली बैटरी को देखते हैं कितना चलती है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चलने वाली है बैटरी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।